दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म सूरला पोटरू का हिंदी रीमेक की अनाउंसमेंट कर दी थी और इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, आज इस फिल्म की OTT डील को लेकर हमारे पास बिगेस्ट अपडेट आ चुकी है। सो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आप लोग अक्षय कुमार सर के डाई हार्ड फैन है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों दो तीन दिन पहले एक आर्टिकल आया था और उस आर्टिकल में बताया था कि अक्षय कुमार की फिल्म सूरला पोटरू को भी डायरेक्ट OTT पर रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं इस फिल्म के मेकर्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अक्षय कुमार की मिशन सिंड्रेला तो ऑलरेडी OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं पर अक्षय कुमार सर सूरला पोटरू फिल्म को भी OTT पर ही रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये अक्षय कुमार का वेरी गुड डिसीजन है, क्योंकि अगर इस फिल्म को OTT पर रिलीज कर दिया जाए तो अक्षय कुमार के काम की तारीफें भी होंगी और इस फिल्म को भी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा वॉच करेगी। अगर इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करते हैं तो कोई इस फिल्म को देखने के लिए नहीं जाएगा, साथ ही साथ अक्षय कुमार को लोग गाली भी देंगे कि अक्षय कुमार रीमेक कर रहा हो, ये वो फलाना ढकाना। फिर भी दोस्तों मैं गुजारिश करता हूँ कि बॉलीवुड वाले रीमेक फिल्में बनाना बंद कर दें, ओरिजिनल कंटेंट पर ध्यान दें। हालांकि दोस्तों बॉलीवुड वालों के पास ये सबसे बड़ी गलती है कि वो रीमेक फिल्में बनाते हैं। लेकिन दोस्तों आज सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि इस फिल्म को OTT पर रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं इस फिल्म के मेकर्स, यानी कि इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर कभी भी रिलीज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि इस फिल्म को OTT पर रिलीज किया जाएगा या थिएटर में। आने वाले 1-2 महीने या फिर 4-5 महीने में हमें पूरी तरह से पता चल जाएगा कि सूरला पोटरू फिल्म के हिंदी रीमेक को OTT पर रिलीज किया जा रहा है या फिर थिएटर में। और दोस्तों अभी तक इस फिल्म का टाइटल रिवील नहीं हुआ, मतलब कि इस फिल्म का क्या टाइटल रखा गया। और साथ ही साथ आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही है सुधा कोंगरा, जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म सूरला पोटरू को भी डायरेक्ट किया था। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोड्यूसर है सूर्या सर, यानी कि 2D एंटरटेनमेंट। वैसे दोस्तों आप लोग कमेंट कर बताना कि सूरला पोटरू फिल्म के हिंदी रीमेक को OTT यानी कि Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज करना चाहिए या फिर इस फिल्म को सिनेमा हॉल में। आप लोग अपनी राय कमेंट कर जरूर बताना।